असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के इंट्रोडक्शन की वीडियो और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप लोग असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 21 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रोफेशनल फर्म इज एज फॉलोज। और हमको इसमें कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द फर्म। जब टोटल इनकम कैलकुलेट करना है यानी कि बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले बुक प्रॉफिट फिर उसकी मदद से टोटल इनकम। ठीक है, अब देखते हैं। टू हाउस टैक्स, साफ साफ आपको पता है कि ये हाउस टैक्स जो है ये एक पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए ये डिसअलाउ हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद है टू अदर एक्सपेंसेस, ऐसे तो अदर एक्सपेंसेस अलाउ होता है, यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा है, आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस ₹20,000 आर नॉट डिडक्टेबल। जब नॉट डिडक्टेबल लिख देता है तो उतना डिसअलाउ हो जाता है, उतना आप ऐड कर लेना, यानी कि ₹20,000 अदर एक्सपेंसेस में से आप ऐड कर लोगे। उसके बाद टू रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर एज पर डीड, हमने पढ़ा है कि रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर या फिर पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होता है तो पूरा अमाउंट डिसअलाउ होता है, ऐड हो जाता है। इधर देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं है। लिखा है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो पहली बात तो हम लोग लेस क्या करते हैं, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो ये तो डिसअलाउड इनकम है, इसको लेस करना है। दूसरा ट्रीटमेंट इसका, दूसरा होगा इसका ट्रीटमेंट टोटल इनकम में, लेकिन ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में तो ये एज इट इज लेस हो जाएगा, ठीक है, जितना अमाउंट लिखा है। लेकिन टोटल इनकम में हम क्या लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलता तब सीधे सीधे वहां भी लेते, लेकिन यहाँ लिखा है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो पहले आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला फॉर्मेट लगाओगे, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, तब टोटल इनकम में वो वैल्यू लिखोगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बाय कैपिटल गेन्स, तो ये भी एक डिसअलाउड इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड का इनकम है तो डिसअलाउड हो गया, लेस कर दो इसको भी। ये नेट लॉस, तो भाई नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी होता है उसी में हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और डिसअलाउड इनकम लेस, तो ये नेट लॉस है आपका। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 21 का। सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाना है, तो पूछा तो टोटल इनकम है लेकिन बुक प्रॉफिट निकाले बिना कैसे आ जाएगा, तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो यहां पे लिख लो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इस क्वेश्चन में नेट लॉस है तो अमाउंट उठाइए आप ₹81,000। और ध्यान रखना जब लॉस है तो माइनस या फिर ब्रैकेट लगाना मत भूलना वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ऐड करो आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, तो सबसे पहले लिखा है हाउस टैक्स, तो हाउस टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये ऐड हो जाएगा हाउस टैक्स, अमाउंट कितना है ₹1,000। उसके बाद लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ऐसे अलाउड था लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि नॉट डिडक्टेबल है ₹20,000, नॉट डिडक्टेबल कितना है ₹20,000, तो वो हो गया डिसअलाउड ₹20,000। उसके बाद लिखा है रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, पार्टनर वर्किंग हो ना हो बुक प्रॉफिट में तो आना ही आना है अगर रेमुनरेशन पीएल अकाउंट में डेबिट है, तो अमाउंट कितना है ₹80,000। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है यानी, तो हम मानेंगे सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली चीज। उसके बाद हम बता एक और चीज, क्या लिखा है वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन गया है, तो ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब कि इसमें पार्टनर वर्किंग पार्टनर थे जिसका भी यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, यानी कि टोटल इनकम में ये पूरा ही अमाउंट आएगा क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर को गया हुआ है। ठीक है, अब इधर ऐड करने वाला कुछ भी नहीं है, तो 80,000, 20,000, 1,000, ये हो गया आपका 1,01,000, तो इसको आप ऐड कर दो, तो 1,01,000 ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये 1,01,000 माइनस 81,000, ये हो गया आपका ₹20,000। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप लेस करते हो डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, तो यहां तो एज इट इज वो अमाउंट आ जाता है जो पीएल अकाउंट में लिखा है, बाकी जब टोटल इनकम में लिखोगे तो रेंट बोला है ना, तो पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे वहां के लिए। ठीक है, फिर है कैपिटल गेन्स, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड का इनकम है तो ये भी डिसअलाउड इनकम हो जाएगा। उसका लिखा है नेट लॉस, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोनों को ऐड करो आप, ये हो गया ₹30,000। और ध्यान रखना ये माइनस करना है इसको,
तो ये 30,000 माइनस का है और 20,000 प्लस का है, इसको आप करोगे तो ये आएगा माइनस का 10,000। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर प्लस का होता तो लिखते बुक प्रॉफिट, यही चीज ये माइनस का हो गया है, लिखेंगे बुक लॉस। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले बुक प्रॉफिट या बुक लॉस जो भी होता है वो आप लेते हो, तो यहाँ बुक लॉस है कितने का, 10,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद हम लेस करते हैं लीस्ट ऑफ देम, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में केवल पार्टनर, यहां पे वर्किंग पार्टनर होने चाहिए, और स्टैट्यूटरी लिमिट। और क्वेश्चन में ऐसे तो कहीं नहीं बताया कि कौन से पार्टनर वर्किंग कौन नॉन वर्किंग, लेकिन हमको दे जरूर रखा है, लिखा हुआ है रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर एज पर डीड, कितना 80,000 रुपीज, तो सीधे यहां पे लिख दो। उसके बाद है स्टैट्यूटरी लिमिट, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहां करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट, सबसे पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, ना समझ में आया तो आप एक बार वो वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होता है, 1,50,000 या फिर 90% ऑफ पहले 3 लाख, जबकि हमको पता है कि यहाँ बुक प्रॉफिट तो छोड़िए, यहाँ उल्टा बुक लॉस है 10,000 रुपए का, तो वो तो ऐसे ही कम आएगा इससे, ये 1,50,000, क्योंकि हम इन दोनों में से क्या चीज लेते हैं, इन दोनों में से हम ग्रेटर अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही लॉस में है, तो यही वाला ग्रेटर होगा, फिर भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं कि 10,000 रुपीज का 90% हो जाएगा 9,000। ठीक है, वो भी माइनस का, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, वो है ये वाला ग्रेटर, सबको पता है, तो ये आप बाहर लिखो ग्रेटर वाला अमाउंट। उसके बाद हम लिखते हैं एड, जो बैलेंस अमाउंट रहता है उसका 60% लेते हैं, जब पूरा यहीं पे यूटिलाइज हो गया तो बैलेंस निल, उसका 60% भी निल, यानी कि स्टैट्यूटरी लिमिट हो गया 1,50,000 रुपीज। अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये है 1,50,000 रुपीज स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से जो भी लीस्ट है उसको आप बाहर लिखो, आपको पता है ये वाला लीस्ट है 80,000 कम है, तो 80,000 को आप बाहर लिखो, तो ये अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 90,000, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब यहां क्या आता है, बिजनेस इनकम आता है, लेकिन अब हम यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे बिजनेस लॉस, क्योंकि माइनस में आया है। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब कि और कोई भी हेड हो तो वो हम ऐड करते हैं। सबसे पहले दे रखा था रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना अब यहां क्या बोलने जा रहा हूं, अगर यही चीज पीएल अकाउंट में लिखा होता कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तब हम क्या करते, सीधे सीधे यहां पे अमाउंट ले लेते, लेकिन यहां पे पीएल अकाउंट में दे रखा है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि पहले हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूले से। ठीक है, तो पहले आप यहां लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अच्छा खासा स्पेस छोड़ देना, फिर अलग जगह पे आके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले आप कैलकुलेट करना फॉर्मूले के। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप इसका फॉर्मेट बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो यहां पे लिख लेना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 जो भी है। ठीक है, दूसरी चीज अगर ये ना समझ में आए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप इसको नॉट कवर्ड वाले फॉर्मूले से करोगे, तो फिर म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू है निल, फेयर रेंट है निल, एक्चुअल रेंट है 10,000 रुपीज, इन तीनों में से जो ग्रेटर होता है वही हो जाता है क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कितना है 10,000 रुपीज। उसके बाद हम लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अगर अनपेड है तो नहीं लेना है,
अब ध्यान देना इस चीज को, यहां लिखा हुआ है हाउस टैक्स, ठीक है? तो हाउस टैक्स ही तो म्युनिसिपल टैक्स होता है, और कुछ नहीं। जब क्वेश्चन में साइलेंट रहे कि पेड है कि अनपेड, तब मानोगे कि पेड है, जब तक खुद से ना यहां पे लिखा हो कि अनपेड तो नहीं अनपेड मानना है, ठीक है? तो ये हाउस टैक्स ही है हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस, तो इसको आप लिखोगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, अमाउंट है 1000 रुपीज, ठीक है? इसको लेस कर दो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, इसको स्टार मार्क कर लो हाउस टैक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो भूल जाओगे कि हाउस टैक्स यहाँ पे लेस करना है, ठीक है? तो ये हो गया 9000 रुपीज, ये आ गया एनुअल वैल्यू। उसके बाद आप लेस करते हो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो भाई 30% ऑफ एनुअल वैल्यू कितना है 9000 रुपीज, 9000 का 30% कैलकुलेट करो 2700, ठीक है? अच्छा, सीधे मैंने बाहर क्यों ले लिया, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो सब है नहीं तो नहीं लेना है यहाँ पे। तो सीधे आप ये लेस करो 9000 माइनस 2700, ये आ गया 6300 रुपीज, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो 6300 रुपीज, ठीक है? उसके बाद क्या है कैपिटल गेन्स, तो ये भी कैपिटल गेन्स हेड का है, ऐड करो आप इसको, अमाउंट कितना दे रखा है 20000 रुपीज, ठीक है? उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो आप बस इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 26300 रुपीज, ठीक है? ऐड करना है, लेकिन ये क्या है माइनस में, प्लस माइनस माइनस करो आप इसको माइनस, तो 90000 माइनस हो जाएगा 26300, 63700, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले पे माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये क्या आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए था ग्रॉस टोटल इनकम आना चाहिए। अगर यहाँ पॉजिटिव में होता तो हम लिखते कि ये ग्रॉस टोटल इनकम है, लेकिन क्योंकि ये लॉस में आ गया है तो यही हो गया हमारा बिजनेस का लॉस, ठीक है? तो बिजनेस लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड, जब लॉस आ जाए ग्रॉस टोटल इनकम की जगह, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वहीं पर रुक जाना है, ठीक है?